तो हर रोज मार्केट में झोला भर भर के फोन लॉन्च हो रहा है, ऐसे कन्फ्यूजन बना जा रहा है कि कौन सा फोन लेना चाहिए कौन सा फोन नहीं लेना चाहिए। 2015 में एक सर्वे हुआ था, उसके अनुसार कि हर वीक इंडिया में 3 फोन लॉन्च हो जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बन जाता है कि कौन सा फोन लेना चाहिए कौन सा फोन नहीं लेना चाहिए। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए अंडर 10,000 के टॉप 3 फोन और अंडर 15,000 के टॉप 3 फोन लेकर आया हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं साइबरसॉरेक्स। दोस्तों लिस्ट में सबसे पहला फोन आता है लेनोवो K8 नोट। इसमें आपको 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा, 13+5 मेगापिक्सल का ड्यूअल बैक कैमरा और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा पर मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो आपको हीलियो X23 प्रोसेसर मिल जाएगा, बैटरी 4000 mAh, फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉयड 7.1, 3 GB RAM और 32 GB स्टोरेज का इस फोन का कीमत हो जाता है 7,990 रुपया। इस प्राइस रेंज में ये फोन मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगता है। तो दोस्तों लिस्ट को आगे बढ़ाते बात करते हैं अगले फ़ोन की। तो अगला फ़ोन आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी 6 प्रो। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से, तो इसमें आपको डिस्प्ले 5.84 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले नोच खरोच के साथ मिल जाएगा। बैक कैमरा इसमें 12+5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इस प्राइस रेंज में 5 मेगापिक्सल का कैमरा थोड़ा सा कम हो जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर मिल जाएगा, 4000 mAh का बैटरी, फिंगरप्रिंट सेंसर, 3 GB RAM और 32 GB स्टोरेज के साथ इस फोन की कीमत हो जाता है 9,999 रुपये। तो दोस्तों बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की। अगला फोन आता है आसूस की तरफ से, आसूस जेनफोन मैक्स M2। सबसे पहले बात करते हैं इसका डिस्प्ले का, तो डिस्प्ले आपको 6.28 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा नोच खरोच के साथ। अगला आता है इसका कैमरा, इसमें 13+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। स्नैप प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन का 632 प्रोसेसर मिल जाएगा और इसका 4000 mAh का बैटरी, फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉयड 8.1, 3 GB RAM और 32 GB स्टोरेज के साथ इस फोन की कीमत आपको पड़ जाएगा 9,999 रुपये। तो ये कुछ फ़ोन से अंडर 10,000 के। आप बताइए कि इस लिस्ट में क्या था और क्या और होना चाहिए था, कौन सा फ़ोन इसमें आपको सबसे अच्छा लगा। और लिस्ट को आगे बढ़ाते और बात करते हैं अंडर 15,000 के कुछ टॉप 3 फोन्स के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन। तो ये सबसे पहला स्मार्टफोन आता है आसूस की तरफ से ही, आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2। तो सबसे पहले आता है इसका डिस्प्ले, डिस्प्ले आपको 6.28 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा। अगला आता है इसका कैमरा, तो इसमें 12+5 मेगापिक्सल का आपको बैक कैमरा मिल जाएगा और 13 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। अगला आता है इसमें प्रोसेसर, तो स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छा बात है। और अगला आता है इसका बैटरी, इसमें तो 5000 mAh का बैटरी मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, एंड्रॉयड 8.1, 3 GB RAM और 32 GB स्टोरेज के साथ इस फोन की कीमत आपको पड़ जाएगा 12,999 रुपया। 15,000 के रेंज में ये स्मार्टफोन मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। आप बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की। अगला स्मार्टफोन आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी U1। शुरुआत करें इसका डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले आपको 6.3 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा नोच खरोच के साथ। अगला आता है इसमें कैमरा, तो कैमरा इसमें आपको 13+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिल जाएगा, 25 मेगापिक्सल का इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इस फोन का मेन हाईलाइट है जो कि सबसे बढ़िया बात है इस फोन के लिए। आगे बढ़ते और बात करते हैं इसका प्रोसेसर का, तो प्रोसेसर का आपको मीडिया टेक का P70 प्रोसेसर मिल जाएगा, 3500 mAh का बैटरी, फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉयड 8.1, 3 GB RAM और 32 GB स्टोरेज का, तो इस फोन की कीमत आपको पड़ जाएगा 11,999 रुपया। बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की। तो अगला स्मार्टफोन आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 6 प्रो। बात करते हैं इसके डिस्प्ले से, तो वो डिस्प्ले इसमें आपको 6.25 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा। अगला आता है इसका कैमरा, तो 12+5 मेगापिक्सल का आपको इसमें बैक कैमरा मिल जाएगा और 20+2 मेगापिक्सल का इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छी बात है। अगला आता है इसका प्रोसेसर, आपको स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर मिल जाएगा, 4000 mAh का बैटरी, 4 GB RAM और 64 GB स्टोरेज के साथ इस फोन की कीमत आपको पड़ जाएगा 13,999 रुपया। तो ये कुछ फ़ोन्स थे मेरे नज़र से अंडर 10,000 और अंडर 15,000 के टॉप 3 फोन्स। आप बताइए कि इस लिस्ट में आपको सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा लगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।